दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं और कुछ खाने की चीजें फेमस भी होती है। ऐसी ही एक मिठाई भी अपने देश में बहुत फेमस है जिसका नाम है गुलाब जामुन। कोई अगर पहली बार इस नाम को सुनेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा कि शायद इसे गुलाब और जामुन से मिलाकर बनाया जाता होगा, इसीलिए इसका नाम गुलाब जामुन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ना तो गुलाब होता है और ना ही कोई जामुन। अब सवाल यह बनता है कि अगर इसका गुलाब और जामुन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है तो फिर इसका नाम गुलाब जामुन क्यों रखा गया? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं गुलाब जामुन के नाम की दिलचस्प कहानी। दरअसल ये मिठाई पर्शिया से आई है। पर्शिया में गुलाब जामुन की तरह ही एक और मिठाई बनाई जाती है जिसका नाम लोकमत अलकादी है। इस मिठाई का नाम गुलाब जामुन रखने की सटीक वजह इतिहास में देखने को मिलती है। आपको बता दें कि गुलाब शब्द दो शब्दों गुल और आब से मिलकर बना है। गुल मतलब की फूल और आब मतलब के पानी। इसका अर्थ खुशबू वाला मीठा पानी होता है। गुलाब जामुन बनाने के लिए भी जब चाशनी को तैयार किया जाता है तो उसमें से खुशबू आती है और वह बहुत ही मीठी होती है, जिस वजह से उसे गुलाब कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूध से तैयार हुए खोए से गोलियां बनती है। गोलियों को गहरा रंग देने के लिए इन्हें तला जाता है जिसकी तुलना जामुन से की जाती है। इस तरह से इस मिठाई का नाम गुलाब जामुन पड़ा है। एक थ्योरी कहती है कि गुलाब जामुन को मध्य युग में पहली बार ईरान में बनाया गया था। बाद में तुर्की के लोग इसे भारत लेकर आए थे। एक दूसरी थ्योरी का कहना है कि एक बार मुगल सम्राट शाहजहां के बावर्ची से यह गलती से तैयार हो गई थी, लेकिन उस समय उसे काफी पसंद किया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे यह भारत के हर राज्य में खूब फेमस हो गई और बाद में मिठाइयों में इसने अपनी एक मजबूत जगह बना ली। आपको बता दें कि अब अरब देशों में खाई जाने वाली मिठाई लुकमात अलकादी और गुलाब जामुन में कई समानताएं देखने को मिलती है। हालांकि इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। खान पान के इतिहास की जानकारी रखने वाले का कहना है कि लुकमात अलकादी और गुलाब जामुन दोनों पर्शियन डिश से उत्पन्न हुई है। दोनों मिठाइयों का कनेक्शन चाशनी से है। दूध के खोए से तैयार होने वाली इस मिठाई को कई अन्य नामों से भी खूब जाना जाता है। पश्चिम बंगाल से इसे पंटुआ, गोलप जैम और कालू जैम कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जबलपुर गुलाब जामुन के लिए काफी फेमस है। इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान में तो गुलाब जामुन की सब्जी तैयार की जाती है। राजस्थान में चीनी की जगह मसाले और टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है।